हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। और बच्चों, क्लास सिक्स में हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हमारे चारों ओर के परिवर्तन, चेंजेस अराउंड अस। तो कल हम लोगों ने ये चैप्टर जब शुरू किया था, तो हम लोगों ने ये जाना था कि जो कोई भी वस्तु होती है, कोई भी पदार्थ होता है, तो उसमें परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो नियम है, परिवर्तन होता ही है। क्या उस परिवर्तन को वापस किया जा सकता है? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार परिवर्तन हो गया तो वो वापस चेंज नहीं किया जा सकता। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि जब आप क्लास वन में थे, छोटे बच्चे थे, अब आप क्लास सिक्स में आ गए हैं, तो क्लास सिक्स में आने के बाद अब अपना वो क्लास वन वाला बचपन आप रीगेन नहीं कर सकते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो रिवर्स नहीं किए जा सकते। जो बड़ा है वो छोटा बच्चा नहीं बन सकता है। लेकिन जैसे बर्फ है, तो बर्फ को जब रूम टेम्परेचर में रख दिया जाता है तो वो कैसा पानी के रूप में बदल जाता है, और पानी को फिर से अगर हम बहुत कूलिंग दें, फ्रीजर में रख दें, तो वो बर्फ में बदल जाता है। तो वो आपका रिवर्सिबल चेंज कहलाता है, पानी से बर्फ का बनना और बर्फ से पानी का बनना। और हम लोगों का बड़ा होना या और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में हमने चर्चा करी थी, वो आपका इरिवर्सिबल चेंजेस के अंतर्गत आता है। अब चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और आगे के कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, कल हम सब ने हमारे चारों ओर के परिवर्तन जो चैप्टर है क्लास सिक्स में, उसमें रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में पढ़ा था। यानी कि कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो परिवर्तन होने के बाद वापस उनको ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। और वो चेंजेस, वो परिवर्तन जो चेंज होने के बाद वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके इरिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। यानी कि जिनको बदला जा सकता है वो रिवर्सिबल, और जिनको बदला नहीं जा सकता है वो इरिवर्सिबल। ठीक है? तो जैसे रिवर्सिबल चेंजेस के एक सारणी के आधार पर आपको समझाया जा रहा है कि जैसे रिवर्सिबल चेंजेस में बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, ये कैसा परिवर्तन है? एक रिवर्सिबल चेंज है। यानी कि जैसे आप पानी को उबालते हैं, तो उबालने के बाद पानी को अगर छोड़ दिया जाता है तो वो ठंडा भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी को उबालेंगे तो उसके बाद वो उबलता ही रहेगा हमेशा, वो ठंडा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसमें परिवर्तन आया, गर्म करने पर वो उबलने लगा, लेकिन उसके बाद उसको छोड़ देने पर क्या हुआ? परिवर्तन, फिर से परिवर्तन आ गया। यानी कि वो कैसा हो गया? अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गया, यानी कि ठंडा हो गया। ठीक है? दूसरा है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स। मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स क्या है? जैसे बर्फ के टुकड़े होते हैं, तो जब उनको आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, फ्रीजर से बाहर निकालने के बाद, बर्फ के टुकड़े क्या होते हैं? धीरे धीरे गलने लगते हैं, मेल्टिंग होने उनकी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बर्फ के टुकड़े बहुत कम तापमान पे जमते हैं, और जब उनको रूम टेम्परेचर पे छोड़ा जाता है तो वो क्या करते हैं? उनके अंदर मेल्टिंग होने लगती है। तो जब उनको कूलिंग दी जाती है, पानी को बहुत ज्यादा अत्यधिक कूलिंग दी जाती है, तो वो बर्फ के रूप में बदल जाता है। और जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा जाता है तो वो क्या होता है? वापस से पानी के रूप में बदल जाता है। यानी कि अपने वास्तविक रूप को पा लेता है, ओरिजिनल फॉर्म में अपने वापस आ सकता है। इस तरीके के चेंजेस क्या कहलाते हैं? रिवर्सिबल चेंज कहलाते हैं। इसी तरह से मक्खन है, जब उसको फ्रिज में रख के रखते हैं आप, तो वो कैसा होता है? वो आपका जमा हुआ होता है, लेकिन जब आप उसको बाहर रखते हैं रूम टेम्परेचर पे, और ठंडक का मौसम ना हो, थोड़ा गर्मियों का मौसम हो, तो वो क्या होता है? पिघलने लग जाता है, मेल्टिंग होने लगता है उसमें, है ना? तो इस तरह से ये है रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा है आपका इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है? तो हमने रिवर्सिबल चेंजेस के बारे में समझा, इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में देखते हैं। जैसे आपका भोजन का पकाना, भोजन का पकाना क्या है बच्चों? कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड जो है वो रिवर्सिबल चेंज है। कुकिंग ऑफ फूड जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है। जैसे मान लीजिए हम भोजन को पका रहे हैं,
हम जब भोजन को पका रहे हैं तो चावल को भात बन जाने के बाद वापस उसको चावल में बदला नहीं जा सकता है। अगर चावल को बॉईल कर दिया जाए, उसको पका हुआ चावल हो, तो वापस से उसको हम कच्चे चावल में बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से जैसे कच्ची दालें हैं और उसमें अगर हमने नमक पानी डाल के उसको टेम्परेचर पे गैस पे चढ़ा दिया तो क्या होगा, वो दाल अगर पक जाती है तो पकने के बाद क्या होगा, पकने के बाद बच्चों फिर वो वापस से कच्ची दाल में परिवर्तित नहीं की जा सकती है। तो कुकिंग ऑफ फूड क्या होता है, मान लीजिए खाने को पका दिया गया है तो खाना पकाने के बाद वापस उसका कच्चे रूप में वापस ला पाना, या ये कहें कि पके हुए भोजन को कच्ची सामग्री के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में वापस रिवर्स कर पाना असंभव है। तो इस तरीके के परिवर्तन कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज होते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि आप एक लिस्ट बनाएंगे अपने घर में रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। जितना आपको समझ आता है अपने आसपास के वातावरण में देखिए, दैनिक जीवन में अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करिए, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करिए अपनी कॉपी में, तो आप देखेंगे कि कुछ चेंजेस ऐसे हैं, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं वातावरण में, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं आपके शरीर में, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं आपके व्यवहार में, कुछ परिवर्तन ऐसे हैं आपके दैनिक जीवन में, आपके वातावरण में, आसपास के पर्यावरण में, आपके बाग बगीचों में, और उसके अलावा आपके स्कूल में, आपके घर में, कुछ वस्तुओं में परिवर्तन है। हर समय क्या हो रहा है, हर जगह पे कोई ना कोई चेंज आता है, कोई ना कोई परिवर्तन आता है। तो आपको इस चैप्टर में, इस लेसन में यही जानना है, यही सीखना है कि कौन से चेंज ऐसे हैं जो रिवर्सिबल है, यानी कि जिनको अपना ओरिजिनल फॉर्म वापस पा सकते हैं जो, और कौन से ऐसे परिवर्तन है जो इरिवर्सिबल हैं या जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकते हैं। जैसे हमने कुकिंग ऑफ फूड की बात करी, अभी हम बात कर रहे थे जब रोटी बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले क्या होता है, आटे को गूंधा जाता है। ठीक है, तो इसी में जब आटे को गूंधा जाता है और रोटी बेली जाती है बच्चों, तो बेलते समय मान लीजिए उसका परफेक्ट शेप गोल नहीं आया, तो क्या करते हैं, आटे को फिर से समेट के लोई बना के फिर से आप रोटी गोल बेलने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि रोटी आपने बेल ली है और बेलने के बाद आपने रोटी तवे पे डाल दी है, सेकी जा चुकी है, तो सेकने के बाद अगर वो जल जाए तो, या नॉर्मल ही रहे, तो उसको आप वापस कच्चे आटे के रूप में बदल नहीं सकते हैं। यानी कि रोटी बनाने की प्रक्रिया में आपको दो तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जब आप रोटी बेल रहे हैं तब वो रिवर्सिबल चेंज हो सकता है, यानी कि रोटी बेलने के बाद वापस से उसको आप लोई के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो पकी हुई रोटी को वापस कच्चे आटे में नहीं बदल सकते, और गूंधे हुए आटे को आप वापस, गूंधे हुए आटे को भी आप चाहें कि पाउडर, आटा पाउडर के रूप में तब्दील कर दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो जो परिवर्तन अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, ऐसे परिवर्तन इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। ठीक, कुकिंग ऑफ फूड में एक लंबी लिस्ट आप बना सकते हैं कि कौन कौन सी चीज को बनाने के बाद आप उसको वापस परिवर्तन ला सकते हैं और कौन सी चीज ऐसी जिसमें आप परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, बर्निंग ऑफ वुड। बहुत सारे बच्चों ने लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, चूल्हे में जब लकड़ी को जलाया जाता है या जाड़े के मौसम में जब अलाव जलाई जाती है, तो क्या वो लकड़ी जलने के बाद कैसा रूप ले लेती है, लकड़ी जलने के बाद जो है वो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है, या कभी कभी बहुत ज्यादा जल जाती है तो बिल्कुल राख के रूप में बदल जाती है, तो क्या उस लकड़ी को वापस, जली हुई लकड़ी को वापस नॉर्मल लकड़ी में बदला जा सकता है, जैसे कि कोयला है, क्या कोयले को वापस लकड़ी के रूप में बदला जा सकता है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो बर्निंग ऑफ वुड क्या है, इरिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद हमने डिस्कस करा था राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब है, इस राइपनिंग वर्ड का मतलब है पकना, ये जो राइपनिंग वर्ड है, राइपनिंग वर्ड का मतलब है पकना। तो किसी भी फल का पकना
एक ऐसी चेंज है, ऐसी नेचुरल चेंज है, प्राकृतिक परिवर्तन है कि इस प्राकृतिक परिवर्तन को भी रिवर्स करना नामुमकिन है, रिवर्स नहीं किया जा सकता है। यानी कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स क्या है? एक इरिवर्सिबल चेंज है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज अ इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि जो कच्चा आम है पेड़ से, मान लीजिए कच्चा आम तोड़ा गया, उसको पका दिया गया, तो पकाने के बाद वापस से वो कच्चे आम में नहीं बदल सकते हैं। या मान लीजिए पेड़ में ही पका आम था, तो पेड़ में ही कच्चे से वो पके में चेंज हो गया, लेकिन पकने के बाद वापस आप चाहें कि उसको कच्चे आम में बदल दें तो वो पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से हर एक फ्रूट के बारे में कह सकते हैं, केला भी पक गया तो वो कच्चा नहीं किया जा सकता, आम पक गया तो वो कच्चा नहीं किया जा सकता। ये इसी तरह से हर एक फल पे लागू होता है। उसके बाद चॉपिंग ऑफ वुड है, चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स है। चॉपिंग किसी भी चीज की कर दी जाएगी, एक बार अगर उसको कटिंग कर दी गई तो चॉपिंग करने के बाद वो वापस से अपने ओरिजिन, लौकी को अगर काट दिया जाए बच्चों, तो लौकी वापस से बड़ी सी लंबी सी नहीं बन सकती। कट गया तो उसकी वेजिटेबल बना दी जाएगी, लेकिन वो वापस से लंबी लौकी नहीं बन पाएगी। अगर लकड़ी को काट दिया गया है, पेड़ को काट दिया गया है, तो वापस से वो पेड़ उसी जगह पे खड़ा नहीं हो जाएगा अपने आप, है ना। तो चॉपिंग ऑफ वुड है, चॉपिंग ऑफ अनियन है, चॉपिंग ऑफ टमाटो है, चॉपिंग चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स है, तो वो इरिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में आता है। तो आप लोगों को रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज, आशा करती हूँ इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको कल लिस्ट बनाने को बोला था, तो अगर आपने लिस्ट बनाई होगी तो आपको इनके अलावा और भी बहुत सारे परिवर्तन आपके वातावरण में आसपास हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानने का मौका मिला होगा। ठीक है। चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं या हर पदार्थ ऐसा है जिसमें हीटिंग या कूलिंग करने पर, टेम्परेचर देने पर, उसको गर्म करने पर या उसको ठंडा करने पर क्या होता है, उस पदार्थ के गुणों में, किसमें, उसकी प्रॉपर्टीज में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंज आ जाता है ना। तो अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। यू मे हैव ऑब्जर्व मेनी चेंजेस दैट टेक प्लेस अराउंड अस, आप सबको अपने आसपास होने वाले बहुत सारे चेंजेस के बारे में आपने ऑब्जर्व किया होगा, और मैंने आपको बताया है कि साइंस जो है बच्चों, साइंस सब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है, तो पहले आपको छोटी क्लास में ऑब्जर्व करना सीखना होगा। प्रैक्टिकल्स बड़ी क्लासेस में होते हैं, लेकिन छोटी क्लासेस में आपको चीजों को देखना और क्यों हो रहा है उसको समझने की कोशिश करना ही विज्ञान विषय का एक उद्देश्य है। सम ऑफ दीज चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, कुछ चेंजेस आपके आसपास हैं जो रिवर्स किए जा सकते हैं, एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जिनको वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो रिवर्स शब्द का मतलब ये है कि जो आगे बढ़ जाने के बाद पीछे ना लाया जा सके, ऐसा चेंज क्या कहलाता है, नॉन रिवर्सिबल चेंज कहलाता है। देयर आर मेनी चेंजेस दैट अकर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज, बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं जब किसी पदार्थ को कोई टेम्परेचर दिया जाता है, तापमान दिया जाता है, तो जब तापमान बढ़ाया जाता है या तापमान घटाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, व्हेन वॉटर इज केप्ट इन अ फ्रीजर, अगर पानी को आप फ्रीजर में रखते हैं तो पानी क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर डिक्रीजेज एंड इट्स फ्रीजेज टू फॉर्म आइस, क्या हो जाता है, पानी जम जाता है, और जमने के बाद क्या बन जाती है, बर्फ के रूप में बदल जाता है। ठीक है। उसके अलावा, सो कैन यू टेल व्हाट विल हैपन टू अ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड, एंड इज इट पॉसिबल टू रीऑब्टेन द सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द चेंज व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, जब कोई पदार्थ गर्म किया जाता है, इट मे मेल्ट और इवेपोरेट, दो चीजें हो सकती हैं। अगर किसी पदार्थ को गर्मी दी जाए, उसको टेम्परेचर दिया जाए, हीट किया जाए, तो दो चीज हो सकती है, या तो वो मेल्ट हो जाएगा यानी कि या तो वो गल जाएगा, या तो वो इवेपोरेट हो जाएगा यानी कि वो उड़ भी सकता है, गैस के रूप में भी बदल सकता है ना। या तो वो गैस के रूप में बदल जाएगा, या तो वो क्या हो जाएगा, गल जाएगा।
और व्हेन इट इज कोल्ड इट मे कंडेंस और फ्रीज। जब उसको ठंडक दी जाती है, टेम्परेचर को डाउन किया जाता है, तो या तो वो द्रव के रूप में तब्दील हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, जम जाता है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए ठंडक हुई, ठंडक का मौसम आया और थोड़ा कम मौसम है ठंडक का, तो क्या होती है, हम पहाड़ों में रहते हैं तो हम इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। जैसे ठंडक आई और बारिश होनी शुरू हो गई, ठीक, तो बारिश होनी शुरू होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, अधिकतर जनवरी फरवरी के महीने में हो जाता है, टेम्परेचर डाउन होता है। अगर उस समय बारिश होनी शुरू हो गई तो क्या होता है, बारिश का मतलब क्या है कि कंडेंसेशन हो रहा है ना, संघनन हो रहा है, जो बादल है वो ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद वो बरसने लगा। लेकिन अगर टेम्परेचर और डाउन होता चला जाए और टेम्परेचर कम होने लगे और कूलिंग बढ़ जाए तो क्या होगा, वही जो बारिश की बूंदे हैं वो फ्रीज होने लगती हैं, यानी कि फिर क्या होने लगती है, बर्फ गिरने लगती है। तो ये किसका रूप है, ये परिवर्तन जो है ये पानी में ही परिवर्तन हो रहा है, पानी के ही रूपों में परिवर्तन हो रहा है। कुछ केसेस में क्या होता है कि इट माइट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ कुछ पदार्थ क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ना सबने सुना है, वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। और कुछ क्या होते हैं, फैल जाते हैं पदार्थ। डू यू नो व्हाट द टर्म्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, और किस तरह से जब आप ताप देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, आप उनको ऊष्मा की ऊर्जा देते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, ऊर्जा देते हैं टेम्परेचर के रूप में, तब क्या होता है, कुछ चीजें फैल जाती हैं और कुछ चीजें सिकुड़ सकती हैं। जैसे कोई चीज को अगर आप धूप में सुखाते हैं तो वो क्या हो जाती है, मान लीजिए आप अचार बनाने के लिए कोई सब्जी को, आप गाजर को आप सुखा रहे हैं, पापड़ बनाते हैं, तो पापड़ को क्या करते हैं, हम गीला गीला डालते हैं पॉलीथीन पे, प्लास्टिक के शीट पे, और वापस से वो सूख के कैसा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको जब आप जैसे लग जाता है, यानी कि फैल जाता है ना, तो उसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। ऑल मेटल्स एक्सपेंड व्हेन हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों मेटल्स के या धातुओं के बारे में। हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं कि हर एक धातु जब उसको टेम्परेचर दिया जाता है, जब उसको तापमान दिया जाता है ज्यादा, तो वो क्या होता है, अब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं, मान लीजिए हमें किसी सोना है, चांदी है, लोहा है, सब बहुत ज्यादा तापमान देने पर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तापमान देने पर वो फैलते हैं या गलने लगते हैं, बहुत ज्यादा तापमान देंगे तो। और जब उसको बिल्कुल ठंडा किया जाएगा तो ठंडा करने के बाद वो एकदम सिकुड़ जाते हैं और ठोस हो जाते हैं। जैसे जो कोई बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया है, आपको अलग अलग शेप में, मान लीजिए लोहे की कड़ाही है तो अलग अलग शेप उसको कैसे मिलता है, उसको शेप देने के लिए बहुत गर्म कर दिया जाता है, उसके बाद उसको वो एक्सपेंड होता है, उसको शेप दे करके वापस से कूल किया जाता है तो वो अपना उसी शेप में बदल जाता है। तो इस तरीके का चेंज जो है वो आप जब ऊर्जा देते हैं उसको तापमान के रूप में तब ये, लेकिन ये तापमान बहुत ज्यादा उच्च तापमान होता है। When heated there is an increase in the volume of a substance। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है कि वो अपना आयतन बढ़ा लेता है पदार्थ, अगर उसको क्या दिया जाता है, टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाता है, तो पदार्थ का क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। तो when heated there is an increase in the volume of a substance and the process is known as expansion। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एक्सपेंशन की प्रोसेस कहलाती है, या इसको एकदम साधारण भाषा में आप ये कह सकते हैं कि कोई चीज, कोई पदार्थ जो है वो फैल गया। अगेन व्हेन कूल्ड, और उसके बाद मान लीजिए उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया जाए, तो ठंडा करने के बाद क्या होता है, उसके वॉल्यूम में डिक्रीज हो जाता है, देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। और उसके बाद क्या होता है, उसकी प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी उसी रूप में रुका रहता है या सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो
आप सभी ने जैसे ये देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन द टूल्स द बिग सॉइल, मिट्टी को खोदने के लिए आपने कुछ सबस्ट्रेट में देखा होगा वो क्या काम करते हैं। द आयरन ब्लेड ऑफ सच अ टूल हैज अ रिंग दैट अटैचेस इट टू द वुडन हैंडल। उस खोदते हैं उस टूल को हम बच्चों फावड़ा कहते हैं। फावड़ा कहते हैं, लोहे के बना हुआ एक टूल होता है उसको हम फावड़ा कहते हैं, और उसमें लकड़ी का बना हुआ क्या होता है, हैंडल होता है। तो वो जो टूल है वो बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया को यूज किया जाता होगा, उसको बनाने के लिए भी यही कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की प्रक्रिया को यूज किया जाता है। या लोहे के हर बर्तन को बनाने के लिए, उसको शेप देने के लिए पहले बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, और उसके बाद जब उसको एकदम ठंडा करते हैं तो वो क्या होता है, अपने उसी रूप में रह जाता है। जैसे लोहे की कढ़ाई है, बहुत सारे टूल्स हैं जो मेटल्स से बनते हैं, अलग अलग मेटल्स की सबकी यही प्रॉपर्टी होती है, यही गुण होता है उनके अंदर, कि जब उनको बहुत ज्यादा हीट दी जाती है, मतलब बहुत ज्यादा उच्च तापमान दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। और उसके बाद जब उनको ठंडा किया जाता है, जब उनकी टेम्परेचर में डिक्रीज किया जाता है, तो वो क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। When ice cubes are kept at room temperature for some time, they form water. जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये क्या है, इस बीकर में क्या है, आइस क्यूब्स हैं। और उसके बाद एक नली लगाई गई है और नीचे एक और बीकर लगाया गया है, तो इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी ये जो आइस है ये क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो व्हेन आइस क्यूब्स आर केप्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर सम टाइम दे फॉर्म वॉटर, है ना। इफ द ट्रे कंटेनिंग वॉटर इज केप्ट इन अ फ्रीजर देन द वॉटर अगेन चेंजेस इन टू आइस क्यूब्स। यानी कि आप छोटी क्लास में हैं, आपके पास सबसे अच्छा बेहतरीन एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि पानी के रूपों को बदल करके आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे बर्फ के टुकड़ों को आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो कितनी भी ठंडक का मौसम हो, लेकिन अगर बर्फ को फ्रीजर से निकाल करके आप बाहर रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो ठंडक होगी, लेकिन अगर नॉर्मल क्षेत्र में हम रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा माइनस में टेम्परेचर नहीं होता है, तो जो बर्फ होगी वो पानी के रूप में धीरे धीरे बदलने लग जाएगी। लेकिन अगर हम बहुत ठंडे प्रदेशों की बात करें तो वहां पे क्या चेंज आता है, वहां पे ये चेंज आता है कि जो पानी होता है पानी ही बर्फ के रूप में बदल जाता है। मतलब पानी ऑटोमेटिक इतना टेम्परेचर डाउन होता है कि वो बर्फ के रूप में बदल जाता है। तब उसको नॉर्मल पानी के रूप में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। जैसे बर्फीले प्रदेशों की बात करें तो वहां पे इस तरीके से हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर व्हेन आइस क्यूब्स आर हीटेड और व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द आइस क्यूब्स इज इंक्रीज्ड, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है मेल्टिंग, या इसी को आप क्या कहते हैं, कोई चीज का गलना, है ना। तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ये क्या कहलाता है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जिस पॉइंट पे कोई भी चीज गलने लगती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। लेकिन आपको ये प्रक्रिया के बारे में, ये परिवर्तन के बारे में जानना है कि मेल्टिंग कौन सी प्रोसेस होती है। जैसे बर्फ का गलना मेल्टिंग कहलाता है, या किसी भी चीज का गलने लगना मेल्टिंग कहलाता है। तो जब चेंज होता है किसमें, टेम्परेचर में, तापमान में परिवर्तन होता है, तो इस तरीके की आपको, छोटे बच्चे अगर उसको बहुत से ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बर्फ को आपने रूम टेम्परेचर पर रखा और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो बर्फ गलने लगी, तो आप ये, आपको ये लग सकता है कि ये एक प्राकृतिक जादू है। उसको जैसे कार्टून्स देखते हैं आप, उसमें जादू होता है, तो ये भी एक नेचुरल जादू है। जब जैसे ही रूम टेम्परेचर पे बर्फ को रखा जाता है तो बर्फ क्या होती है, पिघलने लगती है और पानी बन जाती है ना। और उसी पानी को आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो क्या होती है, बर्फ के रूप में बदल जाती है। तो कभी आपने, आप जितने छोटे हैं आपको ये समझना चाहिए कि ये कैसे, जो बच्चे विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, उनको 3 W पे काम करना होता है, कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ना।
क्यों हो रही है तो आप समझने की कोशिश करेंगे, फिर कैसे हो रही है तो उसके प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद कब कब हो रही है ना, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कब हो रही है, जब आप अपनी जिज्ञासा करेंगे होने वाले परिवर्तनों के बारे में, तो आप जो आपके आसपास आपके चारों ओर जो बहुत सारे परिवर्तन दिन रात हो रहे हैं उनके बारे में अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए जब बहुत गर्मी का मौसम होता है, बहुत गर्मी का टाइम होता है, तब क्या होता है, मान लीजिए छत पे पानी का छिड़काव कर दिया जाए तो क्या होता है, जैसे ही आप बहुत गर्म छत पे पानी का छिड़काव करते हैं तो वो तुरंत ही पानी आपको दिखाई नहीं पड़ता, वो गायब हो जाता है, उड़ जाता है ना। When a substance is present in liquid state, a part of it keeps changing into gaseous state by absorbing heat energy from the surroundings and eventually evaporates. अभी हम पढ़ रहे थे मेल्टिंग के बारे में कि कोई सॉलिड है तो सॉलिड को जब टेम्परेचर दिया जाता है तो वो क्या होता है, गलने लगता है, यानी कि बर्फ जो है वो पानी के रूप में बदलने लगती है। लेकिन एक और प्रोसेस के बारे में हम जान रहे हैं कि जैसे गर्म छत है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्म छत पर उस पर अगर पानी का छिड़काव आप करते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है कि वो पानी ही बिल्कुल छत से उड़ जाता है, यानी कि वो क्या हो गया, जो लिक्विड था वो डायरेक्ट गैस के रूप में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। दिस इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस, इवेपोरेशन एंड मेल्टिंग बोथ आर द टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रोसेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो दीज आर द चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट। बच्चों आज की क्लास में आप सभी ने रिवर्सिबल चेंजेस और इनरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में आशा करती हूँ समझ लिया होगा, जान लिया होगा, और बहुत सारे उदाहरण दे के आपको समझाया गया। आशा करती हूँ दैनिक जीवन से रिलेट करते हुए विज्ञान विषय को आप एंजॉय करते हुए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और छोटी क्लास से ही इसको समझते हुए चलेंगे, आपको ये विषय कभी भी कठिन नहीं लगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।